कर्नाटका गुलबर्गा शहर में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में आया। इस दौरान टाउन हॉल के रूबरू जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन गुलबर्गा ज्वाइंट एक्शन कमेटी और जनता दल के कॉरपोरेटर की जानिब से एहतजाज मुनज्जम करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि किस तरह गुलबर्गा शहर में आवारा कुत्तों की बहतात को लेकर अपने गमो गुस्से का इजहार किया। जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के सिराज शब्दी ने कहा कि कई मर्तबा जिलाई इंतजामिया को आवारा कुत्तों के ताल्लुक से बताया गया है, मगर मुकामी इंतजामिया ने कुछ नहीं किया। कई मासूम बच्चों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया और बुरी तरह से जख्मी किया। जनता दल कॉरपोरेटर साजिद कल्याणी ने भी आवारा कुत्तों के हमले के ताल्लुक से बताया। एक्शन कमेटी के अफजल महमूद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। सिराज शब्दी ने मजीद कहा कि किस तरह से गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीस फातिमा और दूसरे कांग्रेसी लीडर्स ने मुजाहिका खेज अंदाज में देखते हुए चले गए। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत को आए एक साल से ज्यादा का अरसा हुआ, मगर हालात कुछ नहीं बदले। गुलबर्गा शहर के कई मोहल्ले जात में आज भी पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ TV, उर्दू न्यूज। क्या बोल रहे पुलिस ऑफिसर्स, क्या बोल रहे यहाँ से उठा बोल रहे 144 है, मेयर का इलेक्शन है, मेयर बनता हमारे वास्ते तो आम के वास्ते मेयर बनता, क्या उखाड़ रहे हैं लोग। सर लास्ट मेयर को क्या आप लोग मुलाकात करे थे इस इशू को लेकर? हम लास्ट टाइम को टाउन हॉल लॉक किए थे, तब उस टाइम पर एलम प्रभु साहब MLA साहब थे और डिस्ट्रिक्ट अब मैडम थे, MLA मैडम थे और पूरे हमारे पूरे कॉर्पोरेटर्स थे और उसके अलावा मेयर साहब भी बोले कि अब लास्ट बात करके 7 महीने हुआ, कंपोजिशन देने की बात हुई थी 5 लाख रुपीज, मेयर चेंज हो रहा है आज, अभी तक कंपोजिशन दिया नहीं गया। यानी लास्ट पे लास्ट जो मेयर थे नकारा थे, कुछ काम नहीं किया, आप ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, लास्ट बोलने की बात अभी तक नहीं मिला ना, एक मेयर चेंज हो रहा है, मेयर चेंज हो रहा है, पूरे कॉर्पोरेशन में, पूरे कॉर्पोरेशन में और MLA 100 MLA पूरे लोग नाकार है, क्या काम करे आप बताओ, कंट्रीब्यूशन क्या ले लोगों के वास्ते? सर ये जो साहब 3000 कुत्ते, 3000 डॉग बाइट कैसे 3 साल में, कितने आपको कंपनशेट दिला है MLA बनकर, ये लोग सिर्फ बेवकूफ बना रहे मेयर के इलेक्शन के नाम पे, ये लोग सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे, पब्लिक के वास्ते कोई मेयर नहीं बन रहा है यहाँ पर। साहिब भाई आप कॉर्पोरेटर है, डॉक्टर सुधाकर कोई है जो ये डिपार्टमेंट हेड करता है, इसको भी आपने बात किया था, आज भी वो ऑफिसर वही है मगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। सस्पेंड करने के बाद में फिर वो कोर्ट से ऑर्डर लेके आके चेयर पे बैठता है, फिर बोलता है कि काम कुछ भी नहीं दे रहे मेरे को, कमिश्नर साहब बोल के बोलता है, मैं लेटर दियो जाता हूँ उनके, बोलता कुछ नहीं, टोटल फेल्योर है कॉर्पोरेशन। तो आप लोगों के डिमांड क्या है, आपको यहाँ प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया? प्रोटेस्ट कर रहे थे कॉर्पोरेशन में और वहाँ पर क्लियरली हम लोग बोले ये कमिश्नर को यहाँ से निकाल कर रहने, जितने भी कंपनसेशन पेंडिंग है उसको दिलाओ और ये कुत्तों को दूसरे डॉग से शटर बनाकर ये करो, आप नसबंदी करो, क्या करना है करो, मगर कुत्तों को रेसिडेंस से हटाना बोलकर बोले।
लास्ट टाइम पे वो लोग प्रेस में बोले थे कि कई कुत्तों को जो है ना नसबंदी करवाए हैं, ये बोल के आप लोग आप कॉर्पोरेटर हैं क्या, आपको कुछ इसके बारे में डिटेल्स मालूम है क्या है बताइए, अभी तक कितने करे बताइए, नहीं सर क्या काम करे बताइए, कुछ एरिया में काम हुआ बताइए, कुछ वार्ड में काम हो रहा बताइए, कब हुआ काम, कितने साल ये इंसिडेंट होके 7 मंथ हुआ उसके बाद में क्या काम करे बताइए मेरे को। आज प्रोटेस्ट बैठने की रीजन क्या है, क्योंकि कई सारे डॉग बाइट्स इश्यू हुए हैं, आज प्रोटेस्ट बैठने की क्या रीजन? हम लोग 15 दिन पहले ये बात बोल चुके थे कि अगर 15 दिन में इशू को रिजॉल्व नहीं करते हैं, कंपनसेशन नहीं देते हैं और डॉग बाइट्स के केसेस कम नहीं होते हैं, हर दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉग बाइट का केस आ रहा और ये लोग ये बोल रहे हैं कि 4-5 साल से कोई टेंडर इशू नहीं हुआ है डॉग को नसबंदी करने का, कुत्तों को नसबंदी करने का, और सारे के सारे कुत्ते हमारे इलाकों में जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं उनके बच्चे घूमते फिरते रहते हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनकी नसबंदी भी कर दें। बोला ये गया है कि 1500 कुत्तों की नसबंदी करें, क्या सिर्फ 1500 कुत्ते हैं गुलबर्गा में? 1500 कुत्ते हैं, नसबंदी करने का कोई मतलब नहीं है, अगर कुत्ते भूखे हैं तो हमला करेंगे, हमला करने के बाद में जो है बच्चों के ऊपर हमला करते हैं, बच्चों को अस्पताल लेके जाते हैं, एक दांत अगर गिरता है तो उसको जो है 20,000 रुपये कंपनसेशन मिलना चाहिए। एक एक इंसिडेंट्स में ऐसा होता है कि जो है उनके चेहरे खराब हो जाते हैं, उनकी जिंदगियों पर कितना बुरा असर होता होगा, उनके जहनीत पर कितना बुरा असर होता होगा, ऑफ में जिंदगी जी रहे हैं वहाँ के लोग, जहाँ पर भी कुत्तों की तादाद ज्यादा हो गई है, रातों में हुजूम निकल रहा है 20-25 कुत्तों का, कोई देखने वाला नहीं है, कॉर्पोरेशन मजे से अपना काम कर रही है, ऑफिसर्स मजे से अपना काम कर रहे हैं, MLAs को कोई मतलब नहीं है, जनता दर्शन के नाम से कहाँ पर कोई जो है जो इलाकों में इशू होता है वो इलाकों में जो है मीटिंग्स नहीं होते हैं, इलाकों के बाहर मीटिंग करते हैं और लोगों को मालूम तक नहीं होता है कि वहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई है पब्लिक इश्यूज के लिए, पब्लिक कंसर्न के लिए, ये हालत है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और यहाँ पर मेरे हमारी टीम साथी हमारे सब यहाँ पे मौजूद है, अजहर मुबारक जो जनता परिवार माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, शेख सैफन है जो जनता परिवार के सेक्रेटरी है, अफजल महमूद जो जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदार है, और यहाँ पर हम लोग कुछ दिन पहले टाउन कॉर्पोरेशन कमिश्नर ऑफिस के पास एक प्रोटेस्ट एहतजाज कर रहे थे, जॉइंट एक्शन कमेटी और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन प्लस हमारे GDS के कॉर्पोरेटर साजिद कल्याण, हम पूरे लोग कोऑर्डिनेशन में प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग यही थी कि गुलबर्गा में जो कुत्तों का आतंक चल रहा, कुत्तों के आतंक के वास्ते हम लोग एक मूवमेंट करके प्रोटेस्ट करके हम मेमोरेंडम देते, वी हैव रिक्वेस्टेड कॉर्पोरेशन कमिश्नर कि हमारे सर्टेन डिमांड्स है, ये डिमांड शुड बी फुलफिल बिफोर टाउन जो मेरा इलेक्शन हो रहा है उससे पहले ये फुलफिल होना, मगर कॉर्पोरेशन कमिश्नर के तरफ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव किसी के तरफ से ये चीज़ ऐसी हो गया जैसे हर कोई मेमोरेंडम देता है लोग उठा के जो डस्टबिन में फेंकते वही हो गया, कुछ नहीं कर रहे। वो टाइम पे हम ऐलान कर रहे थे कि भाई अगर हमारे मेमोरेंडम को स्लाइटली लाइट लिया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा तो हम लोग मेयर इलेक्शन में आकर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, और आज हम करें यहाँ पर, वी गॉट लॉट ऑफ प्रेशर हुआ, पुलिस डिपार्टमेंट से हुआ, हमको यहाँ हटाने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई, सब हो गया, मगर हम लोग यहाँ से हटे नहीं, साजिद मैं अफजल महमूद सैफ हम पूरे लोग यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करें, हम लोग एक ही मुद्दा हमारा ये है कि भाई जो कुत्तों का जो इश्यू चल रहा, जो अटैक चल रहा, सर आप लोग सोचिए, आप लोग गुलबर्गा में 6,000 डॉग बाइट केस, 6,000 अटैक, मतलब मेजोरिटी यार छोटे बच्चे हैं, दे आर चिल्ड्रंस, 6 साल के छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर डैग कुत्तों का अटैक होता है, सीरियस हो गए, कई सारे लोग वीडियो देखे इस पर, कई सारे लोग मूवमेंट कर रहे, बट ये लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ना कमिश्नर को फर्क पड़ रहा, ना रीजनल कमिश्नर पड़ रहा, ना DC, ना कमिश्नर, ना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ना कॉर्पोरेटर्स को फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, क्योंकि वार्ड में कॉर्पोरेटर इज द रिप्रेजेंटेटिव और हर वार्ड का ये इशू है ये, और कई सारे लोग हमको कॉन्टैक्ट करके भी बताए कि हर वार्ड के कॉर्पोरेटर को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं बट कॉर्पोरेटर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये बड़ी शर्म की बात है कि हम ऐसे लोगों को चिता कर लेकर आते हैं कि वो लोग हमारे लिए सर्व करें और हमारी आवाज़ एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर आवाज़ उठाए। यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट के लिए हम लोग बैठे हैं, यहाँ पर सारे लीडर्स, सारे कॉर्पोरेटर्स, MLA MP ये पूरे लोग यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन आ सके, कोई एक कॉर्पोरेटर हमारे साथ आके बैठा नहीं, क्यों? अगर बैठेगा तो उनकी पार्टी का नाम खराब होता, क्योंकि उनकी पार्टी फेलियर है, उनके ना उनका MLA कुछ काम कर रहा, ना उनके एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी कोई पकड़ है और काम नहीं कर सकते, वो लोग आके नहीं बैठ रहे हैं यहाँ पर। नॉर्थ MLA नहीं, आज की बात बता रहा हूँ मैं, नहीं ये हमारी बात है, वो वोट देखिए, आप मेयर सेलेक्ट किसके लिए कर रहे हैं? आवाम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ना करा है, मेयर को सेलेक्ट करने की जरूरत क्या है? इलेक्शन शुड बी कैंसिल, पहले आवाम की जो परेशानी है उसको पूरी करना, लास्ट एक साल मेयर था, क्या करा मेयर का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है आप बताइए, आप मीडिया में है आप लोग, हाँ आप बताइए मुझे कॉन्ट्रीब्यूट क्या करे ये लोग एक साल मेयर बैठकर,
एक साल में ये कांग्रेस की हुकूमत आकर यहाँ पर आवाम के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? रोडों की हालत वैसी है, एजुकेशन में हम लोग पीछे हो रहे हैं, यहाँ पर गंदा पानी, घटिया गलीस पानी, अनहाइजीन पानी वैसे आ रहा है, ये ऊपर से कुत्तों का तक। सर एक साल में 20,000 लोग मरते हैं हिंदुस्तान में कुत्ता काटने से, एक साल में 20,000 लोग। गुलबर्गा में सर 6,000 केसेस हुए डॉग अटैक केसेस हुए सर, अभी सर ये 3 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, गुलबर्गा का 3 साल का रिकॉर्ड, मगर जो इंडिया का रिकॉर्ड है सर, इंडिया का 24 लाख डॉग अटैक केस है पूरे इंडिया में एक साल में, और 20,000 लोग एक साल में कुत्ता काटने से मरते हैं सर। और यहाँ पर जब हम प्रोटेस्ट के लिए बैठे, कनीस फातिमा जो हमारे नॉर्थ के MLA है, यहाँ पर तकरीबन नॉर्थ के हम लोग बैठे हुए थे जो वोट डाल के जिताए, ये लोग यहाँ पर हमारे साथ हंस लेते मुस्कुराते हुए चले जा रहे हमारे को देखते हुए यहाँ पर। ये इस तरीके से ये लोग काम करेंगे हमारा आवाम का, तो मैं आवाम को ये गुजारिश करूँ अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखो, लड़ना सीखो। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए सर फैंटेसी वाटर पार्क। एड्रेस बीरना कपो नियर गौशावली दरगाह KGF कर्नाटका। कॉन्टेक्ट डिटेल्स 9483444290 9480107826।